हमने जैसा मैंने कल भी उदाहरण दिया था, हमको लगता सब ठीक है, लेकिन कोई हमसे बड़ा आ गया तो लगा कुछ भी ठीक नहीं, फिर हम थोड़ा सा। तो इसलिए जहां है जैसे है जिस स्थिति में है उस स्थिति में हमारी साधना ऐसी हो कि हम वहीं पर पूर्ण हो जाए, नहीं पूर्ण हो तो काल पूर्ण कर देगा। तो काल पूर्ण करेगा तो जोरदम जबरदस्ती वाली बात हो गई, भाई हम तैयार नहीं थे समय आ गया। और एक हो गया कि हमने अपनी चेतना को स्वयं ही समझ लिया, बहुत कुछ देखने को है लेकिन देखना नहीं, कितना देखेंगे, बहुत कुछ पाने को है लेकिन पाना नहीं है, कितना पाएंगे। तो इसलिए पायो परम विश्राम। तो उसी स्थिति में गुरुदेव भगवान सुखदेव महाराज परीक्षित को ले जाना चाहते, और इसीलिए थोड़ी सी उन्होंने बातें अपने बारे में बताई, बहुत सारी बातें भाई भागवत जी तो अनंत सागर है। तो पहले उन्होंने कहा कि भगवान का नाम, भगवान में समर्पण, फिर वह समर्पण कैसे हो, तो समर्पित आपका होंगे जब विश्वास होगा, आपका प्रेम होगा। तो दूसरा सवाल आया तो प्रेम कैसे हो, और तब गुरुजी अपना अनुभव बता रहे हैं कि मेरा कैसे हुआ। सुनो, कई बार लोग ऐसे भी तो बताते हैं कि मेरा अनुभव सुनो, अरे आप ऐसे कैसे हो गए, तो आप कुछ बताते ही भाई ऐसे हो गया। तब गुरुजी ने बहुत अद्भुत श्लोक यहां परिनिष्ठितो कोई आकार नहीं मानते, कोई भगवान की मूर्ति नहीं मानते, कुछ नहीं मानते, है ना। ऐसे भी लोग होते हैं बहुत सारे संप्रदाय और दुनिया में, नहीं बने भारत में है। तो बोले हम कोई आकार नहीं मानते, तो क्या मानते हो, कुछ तो मानना पड़ेगा। तो बोले प्रकृति को मानते हैं। तो प्रकृति क्या है, ये भी तो परमात्मा का ही स्वरूप है, सुखदेव जी ने वर्णन किया। तो निज प्रभु में देखन जगत, सारा जगत कैसा है, बोले हमारे ही प्रभु का रूप है। फिर कहा के सन करण विरोध, फिर किसी से कोई गिला सिखवा कोई बात है नहीं, क्यों भगवान से हम कोई गिला सिखवा करते नहीं। तो निज प्रभु में देखें जगत, उसी बात को हम तुलसीदास जी और स्पष्ट करते हैं, सिया राम मैं सब जग जान, करो प्रणाम जोर युग, सब सिया राम में है, सब मारे प्रभु। तो ये बात हम कहते हैं लेकिन भेद प्रकट हो जाता है। घर से अगर अब यहां कोई से दृश्य नहीं आते, लेकिन गांव में भारत में कुत्ता अगर खाते हुए रोटी उठा ले जाए तो डंडा लेकर मारने दौड़े हैं, तब थोड़ी सोचे निज प्रभु में देखें जगत है, ये भी तो हमारे प्रभु का स्वरूप है। तो हाँ बात बिगड़ जाती है, हमारे अंदर भेद बुद्धि पैदा हो जाती है ना। एक संत अपने प्रवचन में यही बात कहा करते थे, निज प्रभु में देखें जगत, निज प्रभु में सब हमारे प्रभु का रूप, जो भी है चींटी से लेकर हाथी तक मेरे प्रभु का ही स्वरूप है। तो वर्णन किया, तो जब सत्संग करके रास्ते में जा रहे थे तो एक उन्मत्त हाथी जो है पागल हाथी चला रहा था, और
महावत कह रहा था भाई हट जाओ हट जाओ रास्ते से, हाथी मेरे वश में नहीं है। और इनको तो सत्संग का नशा था, बोले निज प्रभु में देखे जगत, मेरे प्रभु का स्वरूप है, मैं तो प्रणाम करके जाऊंगा, दंडवत प्रणाम करूंगा। अब वो कह रहा है भाई हट जाओ हट जाओ, तो हाथी पास पहुंचा और सूंड में लपेटा और दूर फेंका तो कमर गई टूट। गुरु जी के पास शिकायत करने को आए, आपने तो मुझे कहा था सारे संसार को प्रभु में समझो, सारे संसार को मैंने तो समझा, लेकिन देखो आप प्रभु ने मेरी क्या हालत कर दी। हम तो प्रणाम करने के लिए रास्ते में साष्टांग दंडवत करने के लिए लेते हुए, तो महात्मा जी ने कहा देखो फिर भी तुम्हारी भेद दृष्टि कहां गई। अरे अगर वो हाथी प्रभु में था तो हाथी पर बैठा हुआ जो महावत है उसने भी तो तुमको रोका था ना कि हट जाओ रास्ते से, तो हाथी को तुमने प्रभु मान लिया, लेकिन हाथी पर बैठे हुए उसको प्रभु नहीं माना, तो भेद दृष्टि तो तुम्हारी बनी रही ना। तो ये बहुत कठिन काम है, हो जाए तो बहुत बड़ी बात है लेकिन है बड़ा कठिन। तो सुखदेव जी का जो प्रारंभिक जो जीवन है, जब उनका जन्म हुआ तो अपना घर पर त्याग करके चले गए, निकल गए और सारी प्रकृति उनको प्रभु में दिखाई दी। व्यास जी अपने पुत्र को पीछे पुकारते हुए बेटा रुको 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 रुको, अभी तो तुमको ठीक से देखा नहीं, अभी तो भागवत पढ़ाना है, ये करना वो करना, लेकिन सुखदेव जी नहीं रुके, चले गए। और कहते जब सुखदेव जी जा रहे हैं तो मार्ग में सुखदेव जी तो 16 वर्षीय है, 16 वर्ष के, और मार्ग में जब जा रहे हैं तो वहां पर नग स्नान करते हुए अप्सराएं सरोवर में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब व्यास जी वहां पहुंचते हैं सरोवर के किनारे तो सबने अपने अपने कपड़े संभाल लिए, तो व्यास जी ने कहा भाई देखो घोर कर लू आ गया है, मेरा बेटा अच्छा खासा जवान अभी गया तो इन्होंने कपड़े नहीं पहने और मुझ बूढ़े को देखकर कपड़े पहन रही। तो उनमें से एक जो अप्सरा थी बोली, बोली महाराज आपके पास भेद दृष्टि है, आप जानते हो स्त्री कौन है पुरुष कौन है, लेकिन आपका जो बेटा गया है वो इस दृष्टि से पार है। अच्छा देखो बच्चे जब छोटे होते हैं तो माताएं कपड़े अपने कपड़े कमरे में बदल लेती है, बच्चा छोटा है क्यों, इसलिए अभी उसमें भेद दृष्टि जागी नहीं है, कहां भेद है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है अपना ही बेटा तो फिर अब तो ऐसा नहीं हो सकता, क्यों बोले अब भेद दृष्टि। तो भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावन है, यह जो निर्मलता है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल, तो छल कपट आदि दुराव छुपाव ये सब कब आता है, भेद दृष्टि के कारण आता है। तो सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को कहा कि मैं भी पहले उस निर्गुण निराकार में ही निमग्न था, निज प्रभु में देख लिया, लेकिन अभी तो आप भगवान श्री कृष्ण की कथा कहने के लिए बैठे ना, तो श्री कृष्ण तो निर्गुण निराकार नहीं है, वो तो सगुण साकार है। तो बोलो सुनो परीक्षित पहले तो मैं निर्गुण निराकार में था लेकिन अब मैं बदल गया। तो किसने आपको बदल दिया, आख्यानम कथा ने मुझे बदल दिया, परनिष्ठितो भी निर्गुण उत्तम श्लोक लीलया गृह चेता राजन से आख्यानम यदीतवान, भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण कर मैं तो चला गया था, मुझे जरूरत भी नहीं थी, क्यों मुझे कोई चार नहीं परमहंस है। कई बार आपको कोई वस्तु की चार नहीं लेकिन मन में कितने सारे चार है, कोई आप सिनेमा देखते हो तो धीरे धीरे बदल गई प्रकृति, उसमें क्या आपको कुछ मिल रहा है, क्या कुछ हाथ लग रहा है, क्या कुछ आप घर ले आए हैं, कुछ देखने की चाह है, मन में अच्छा लग गया। कई बार आप आजकल व्हाट्सएप पे बहुत कुछ लोग भेज देते हैं, यूट्यूब पे तमाम सारा सोशल मीडिया पर आ,
बहुत चीजें देखने के बाद हम कहते बेकार समय लगा है, तो क्यों देखने लगे थे? कुछ मिला नहीं ना, खुद ही कह रहे हैं बेकार वाला समय चला गया। क्यों बेकार? उन्होंने इसको इस साइट को खोल दिया। कितना समय लोगों का बर्बाद भी होता है सोशल मीडिया के। अरे ठीक है, समाचार हम कल जान लेते, अखबार में पढ़ लेते, क्या जरूरत थी इतना समय लगाने। तो कितनी चाह मन में, ऐसा थोड़ी कि हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तो कुछ चाहिए ही ना। तो सुखदेव जी तो परमहंस हैं, कुछ नहीं चाहिए, निरावरण नग्न है, कपड़ा भी नहीं चाहिए, अवधूत है, कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आनंद तो चाहिए ना, मन की तृप्ति तो चाहिए है। अच्छा, मनुष्य चाहता ना कि हमें कोई चाहे है, इतना सा चाहता है। देखो कहते हैं कि अगर उत्साह से जीना है तो अपने चाहने वालों को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, जो चाहे कि आप जिए। अच्छा सोचो एक ऐसी स्थिति हो जाए कि कोई चाहे नहीं हम जिए हमारे, फिर आपका जीवन कितना उदास हो जाएगा है। कोई आपका नहीं हो, और ऐसे घर में रहना पड़ जाए जहां घर वाले सोचे भाई ये कब से नीचे रहने, फिर तो कितना निराश जिंदगी हो गया। इसीलिए कहते हैं कि जीने के लिए कोई कोई टारगेट चाहिए, कोई ना कोई हमारे सामने कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। तो संसार का काम नहीं तो परमार्थ का काम है। अब यहां मंदिर में इतना बड़ा भवन खड़ा हुआ है, और फिर बगल में भी भवन तैयार है, आगे व्यवस्था बढ़े, आगे लोग आए, यह भी एक कार्य है, प्रभु के कार्य में लोगों को जोड़े, यह भी एक कार्य है, कोई को तो टारगेट होना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं महाराज भगवान का दिया सब कुछ है, तो अगर सब कुछ वही ठहर गए, कोई टारगेट रहा ही नहीं, तो बड़ी निराशा मन में आ जाती। इसलिए कोई ना कोई हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, हम जी रहे हैं इसका भी कोई ना कोई पर्पज, पर्पजलेस हो जाती लाइफ तो बिल्कुल बेकार हो जाती। ऐसे हमने कई भारत में बड़े अधिकारियों को देखा है कि रिटायरमेंट के बाद इतना फास्ट वो ओल्ड होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, और इवेंट के थोड़े दिन में ऊपर भी चले जाते हैं, क्योंकि जो शान मान है ना, ऐसा हमारे नजर दो तीन लोग आ चुके जो हमारे बहुत करीब थे, लगा कितनी जल्दी ये कैसे हो गया। अरे हम तो 60 के थे ना, 60-65 के थे रिटायर हुए, और 4-5 साल में बूढ़े, और 1-2 साल में खत्म। क्यों बोले? इसलिए कि उनके जीवन का टारगेट वही नौकरी थी, वही जॉब था, वही आदत पड़ी थी लोगों के सलामी लेने की, सवेरे उठेंगे और हजारों आदमी खड़ा होगा, अब सब खत्म, और कोई टारगेट है। तो इसलिए अनंत प्रभु के साथ हमारा रिश्ता जुड़े तो हमारा टारगेट कभी समाप्त नहीं होगा, बना ही रहेगा, कभी ये करना और अभी ये करना, अभी ये करना। तो ऐसे सुखदेव जी को कुछ नहीं चाहिए था, तो चले गए। और इधर महर्षि वेद व्यास को लगा कि भाई मैं अपने पुत्र को कम से कम भागवत तो पढ़ाऊं, बड़ा परेशान रहने लगे, शिष्यों को कहा जाकर देखो तो कहीं सुखदेव को मिल जाए। तो मिले तो आकर शिष्यों ने बताया, लेकिन पुत्र का आकर्षण कैसे हो है? कथा में आकर्षण हो इसके लिए भी कोई ना कोई है। बच्चों को हम जो है भगवान से जोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ लालच देना पड़ता है ना, जो सतबार पाठ कर लो ये झूठे बंदी महास कोई 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ो तो तुम्हारे कार्य सिद्धि हो जाए। बच्चों को भी कहते हैं भाई मंदिर चलो प्रार्थना करो तुम्हारे मार्ग सच्चे आएंगे, ऐसे ही करके तो जोड़ते हैं, तुरंत प्रेम थोड़ी हो जाता है। तो सुखदेव जी के लिए महर्षि वेद व्यास जी ने एक श्लोक दिया और बोले जाकर ये श्लोक सुना। तो जो श्लोक अब रोज आपके बीच तो बोलते मंगलाचरण में बरहा पीरम नट वर वपु कर
अब तुम नदी पहाड़ देख रहे हो, कह रहे भगवान वही जो नदी पहाड़ वाले हैं वो इतने सुंदर बनकर यहाँ मंदिर बैठे हुए हैं, तो कहा तुम किस नदी पहाड़ में ध्यान लगाए हो। सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित के समक्ष उस ध्यान विधि का भी वर्णन किया है। तो आओ देखो तो सही वो भगवान कितने सुंदर है। वरहा पीरम नटवर बपु, उनका श्रृंगार देखो कितना सुंदर, उनके माथे पर मोर का मुकुट लगा हुआ है, गले में वैजंती माला है, कानों में कनेर के पुष्प है, और उनका खड़ा होना तो देखो नटवर बपु कैसे टेढ़े खड़े होते हैं, कैसी उनकी तिरछी चितवन है। अरे एक बार देखो तो सही भगवान कितने सुंदर है। देखो तो भगवान के सौंदर्य को हम लोग शब्दों में बांधने की कोशिश करते हैं, है ना, चेष्टा करते हैं, और प्राय सौंदर्य की कल्पना हमारी जो हम देख सकते हैं उतना ही हम कल्पना कर सकते हैं, तो उससे ज्यादा सोच नहीं पाएंगे।